दोस्तों ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं करवा चौथ के बारे में। बतला रहे हैं आपको कि आखिर क्यों की जाती है करवा चौथ की व्रत, क्या है इसकी कथा और इससे जुड़ी कुछ धार्मिक मान्यताओं के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी को बतला दें कि अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक लेख पढ़ना चाहते हैं तो अब आप हमारे द्वारा बनाए गए वेबसाइट पर भी जाकर इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट की लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज आपको बतलाते हैं अपने इस वीडियो में करवा चौथ के बारे में। दोस्तों हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा व करक का अर्थ होता है मिट्टी से बना हुआ पात्र। इस व्रत में चंद्रमा को अर्ध अर्थात जल अर्पण मिट्टी से बने पात्र से ही दिया जाता है। इसी कारण इस पूजा में करवा का विशेष महत्व हो जाता है। पूजा के बाद इस करवा को या तो अपने घर में संभाल कर रखा जाता है या किसी ब्राह्मण अथवा योग्य महिला को दान में भी देने का विधान है। दोस्तों करवा चौथ का व्रत पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, परंतु इस वैश्वीकरण युग में एक दूसरे को देखकर अन्य प्रांत के लोग भी इस व्रत को धूमधाम से मनाने लगे हैं। और चलिए अब आपको बतलाते हैं कि क्यों मनाया जाता है करवा चौथ का व्रत। दोस्तों करवा चौथ का व्रत केवल सुहागिन स्त्रियां ही रखती है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति देव की दीर्घायु अर्थात लंबी आयु, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस व्रत में स्त्रियां पूरे दिन अर्थात सूर्य उदय से लेकर चंद्र दर्शन किए बिना अन्न और जल यानी निर्जला रहती है तथा रात में पूजा के उपरांत ही अन्न और जल ग्रहण करती है। करवा चौथ में शाम में अथवा रात्रि में चंद्रमा देखने का विधान है। सुहागिन महिलाएं रात में भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करती हैं। उसके बाद चंद्रोदय होने पर आकाश में जब चंद्रमा दिखाई देती है तब सुहागिन चंद्रमा को अर्घ्य देती है और छलनी से चंद्रमा को देखती है। उसके बाद उसी छलनी से अपने पति को देखती है। पुनः महिलाएं अपने पति के हाथ से ही पानी पीती है और अपना व्रत पूरा करती है। इसके बाद अपने पसंद के भोजन ग्रहण करती है। और चलिए दोस्तों अब आपको बतलाते हैं करवा चौथ से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों एक किदवंती के अनुसार जब सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज आए तो पतिव्रता सावित्री ने उनसे अपने पति सत्यवान के प्राणों की भीख मांगी और अपने सुहाग को न ले जाने के लिए निवेदन किया। यमराज के नाम मानने पर सावित्री ने अन्न जल का त्याग कर दिया। वो अपने पति के शरीर के पास विलाप करने लगी। पतिव्रता स्त्री के इस विलाप से यमराज विचलित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई भी और वर वो उनसे मांग ले। सावित्री ने यमराज से कहा, आप मुझे कई संतानों की माँ बनने का वरदान दें, जिसे यमराज ने हाँ कह दिया। पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी सावित्री के लिए संभव नहीं था। अंत में अपने वचन में बंधने के कारण एक पतिव्रता स्त्री के सुहाग को यमराज लेकर नहीं जा सके और सत्यवान के जीवन को सावित्री को सौंप दिया। कहा जाता है कि तब से स्त्रियां अन्न जल का त्याग कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती है। इससे जुड़ी एक और पौराणिक कथा है द्रौपदी द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने की कहानी भी प्रचलित है। कहते हैं जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या के लिए गए हुए थे तो बाकी चारों पांडवों को पीछे से अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से मिलकर अपना दुख बताया और अपने पतियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए कोई उपाय पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी, जिसे करने से अर्जुन भी सकुशल लौट आए और बाकी पांडवों के सम्मान की भी रक्षा हो सकी थी। तो ये थे दोस्तों करवा चौथ से जुड़ी हुई जानकारी। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।